अगर थोड़ा दोगे तो 18 किलो दूध दोगे। 18 किलो दूध? हाँ जी। तो 18 किलो दूध वाली भैंस का क्या रेट रहेगा भाई साहब? रेट 1,05,000 रुपये दे जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं काला नैन आप सभी का स्वागत करता हूं जी आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आप सभी भाइयों का स्वागत है जी। तो देखिए आज फिर काफ़ी अच्छी आपके लिए वीडियो लेके आए जी, स्पेशल शेयर परचेज की वीडियो आप देख सकते हो। देखिए लंबी कतार में एक नहीं दो नहीं काफ़ी शानदार एक देख सकते हो, जो सेल परचेज के लिए काफ़ी स्पेशल वीडियो होती है भाई के फार्म पे। लगभग कुछ ही टाइम में भाई ने जो बहुत ही अच्छा फील्ड में अपना नाम भी कमाया और साथ में जो ग्राहकों के ऊपर विश्वास भी जताया। तो बाहर भी आप देख सकते हो भाई के पशुधन की बात करें गोवंश आप देख सकते हो, साथ में जो भैंसे भी आप आगे देख पाओगे तो काफ़ी अच्छी अच्छी भैंसे। तो काफ़ी कम टाइम में पहले कुछ ही टाइम भाई ने जो सोशल मीडिया पर आए हुए हुआ है तो भाई ने काफ़ी अच्छा जो अपना नाम और फेम बनाया। देखिए जाने माने जगह से बहुत से भाई तो वीडियो देखते ही पहचान गए होंगे, जो अमित भाई सामड़ो से उनके डेयरी फार्म से वीडियो शूट कर रहे हैं लगातार भाई का सेल परचेज का पशुधन लगातार कंटिन्यू अपने चैनल पे 5-7 दिन में 10 दिन में वीडियो आती रहती है। तो देखिए आज फिर अच्छे अच्छे पशुधन आज दिखाएंगे भाई के। लगभग तब भी जब भी भाई के घर से वीडियो बनाइए रेट बिल्कुल जायज़ रहते हैं। तो आज फिर एक नंबर वैसे स्टार्टिंग करेंगे तो आइए भाई साहब आगे भाई खड़े मित भाई साहब राम राम। राम राम भाई खड़े तो सारे दर्शकों ने अपने हाथ जोड़ेगा राम राम। तो भाई जी सबसे पहले तो अपना नाम एड्रेस कंफर्म कराओ एक बार। नाम अमित कुमार गांव सामलो कला जिला जींद हरियाणा। तो देखिए मित भाई गांव सामलो जिला जींद और तहसील जुलाना जुलाना। तो जींद से जुलाना रोड पे जो कतौली से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है भाई, भाई का गांव है सामड़ो। तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर होता हो भाई साहब? अपना कॉन्टैक्ट नंबर है 87086 72676। तो भाई जी जो एक नंबर पे देखिए जो भाई का साथ में नंबर मैंने डाल दिया है परमानेंट जो स्क्रीन पे चलेगा साथ में नंबर जो एक नंबर पे भैंस है इसे स्टार्टिंग करेंगे। तो मीत भाई साहब क्या डिटेल है? तो भाई साहब 15 दिन की ब्याई है, कड़े नीचे काटड़ी है, दूसरी बार की ब्याई उड़ है, धार पोसाई बहुत अच्छी है, दूध है 12 से 13 किलो। 15 दिन की ब्याई ब्याह तो भाई साहब दूसरा भाई साहब दूसरे ब्याह में और दूध कितना बताया? 12 से 13 किलो। 12 से 13 किलो दूध जी भाई साहब मौके पे तैयार है। हाँ जी। तो 12 से 13 किलो दूध मौके पे तैयार साथ में भाई साहब कटड़ी साथ में कटड़ी है। हाँ जी। तो देखिए साथ में कटड़ी भाई ने बताया एक बार आप भैंस को मैं आपको नजदीक से दिखाऊंगा। तो देखिए नीचे से जो अडर की क्वालिटी है वो आप देख सकते हो, देखिए काफी अच्छी और साथ में जो भैंस आप देख सकते हो देखिए दूसरे ब्रांड की थोड़ा खुला भाई सींग भाई ने बताया कि मामूली खुला अपन पड़ा सींग है जो वो खुला है वो आप साथ में देख सकते हो। देखिए सींग बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हो। तो भाई साहब इसका फिर रेट क्या रहेगा? रेट भाई कल या 1,05,000 रुपये देंगे। 1,05,000 रुपये की जी भाई साहब 13-14 किलो दूध तैयार है बिल्कुल भाई साहब। तो देखिए 13 से 14 किलो दूध की 1,05,000 में फिर आगे आप देख पाओगे दो नंबर पे ये भैंस आप देख सकते हो। देखिए पीठ कूठा की क्वालिटी की बात करें नीचे से जो आर्डर का जो सीलापन भी आप देख सकते हो काफी अच्छी भैंस है। तो इसकी क्या डिटेल अभी तो भाई? या तीसरी बार की ब्याई है भाई कले तीसरी बार ब्याई है भाई 4 दिन की ब्याई हुई होगी और 14 से 15 किलो दूध तैयार है। 4 दिन की ब्याई 14 से 15 किलो दूध जी भाई साहब तैयार बिल्कुल। तो नीचे कटड़ा है कटड़ी भाई नीचे कटड़ी भाई नीचे कटड़ी तो 14 किलो दूध तैयार। तो देखिए 14 किलो 4 दिन की ब्याई के नीचे आप देख सकते हो काफी अच्छी भैंस है जी। हर तरीके से आप देख सकते हो बिल्कुल एक जो नीचे से देख सकते हो देखिए आर्डर में जो सीलापन थनों में स्पेसिंग की बात करें किसी भी तरीके से वो आप देख सकते हो। पीठ कूठा की क्वालिटी की बात करें तो इसके नीचे के कटड़ा है कटड़ी भाई कटड़ी है भाई साहब इसके नीचे कटड़ी। हाँ, कटड़ी। तो इसका रेट क्या रहेगा मीत भाई? इसका रेट रहेगा भाई साहब 1,65,000 रुपये। 1,65,000 रुपये जी भाई साहब। तो देखिए 1,65,000 में ये भैंस और आगे तीसरे नंबर पे और भैंस आप देख सकते हो जी देखिए काफी अच्छी भैंस है। तो इसकी क्या डिटेल है भाई साहब? तीसरी बार की है भाई साहब भैंस आगे से दिखाओ पीछे तो थोड़ी और तरह की है आगे से और तरह की। तो देखिए तीसरे ब्यांत की हाँ जी भाई ने बताया वो आप देख सकते हो काफी अच्छी भैंस है। तो भाई जी साइज है जो इसका मीडियम है। हाँ साइज मीडियम है भाई साहब दूध की बहुत अच्छी रहोगी कड़ा दूध की अच्छी रहेगी अच्छी रहोगी। तो कितने टाइम की ब्याई है जी? या तीसरी बार की ब्याई है 5 दिन की ब्याई होगी और 12-13 किलो दूध आज तैयार है इसमें मौके पे। 5 दिन की ब्याई के नीचे 12-13 किलो दूध तैयार है मौके पे। हाँ जी। तो नीचे कटड़ा या कटड़ी? नीचे कटड़ा भाई नीचे कटड़ा। हाँ जी। तो
पांच दिन की ब्याई 12-13 किलो दूध। हाँ जी, दूध आपने बताया अच्छी रहेगी। हाँ। तो कितने किलो दूध भेजा पाएगी भाई साहब? दूध भाई साहब कम से कम अगर थोड़ा दोगी तो 18 किलो दूध दोगी। 18 किलो? हाँ जी। तो 18 किलो दूध वाली भैंस का क्या रेट रहेगा भाई साहब? रेट 1,05,000 रुपए दे जाएंगे। तो ये देखिए जो मैंने वीडियो में बोला था भाई साहब, मीत भाई के लगभग देखिए 18 किलो दूध भाई ने बताया कि ये देगी और 1,05,000 रुपए भाई ने रेट रखे। तो देखिए खन थोड़ा देखा उठती का और तरेगा, लेकिन नीचे की बहुत बढ़िया। देखिए तो देखिए जो सुवाई की भाई ने बताया अच्छी है। थन है जो पिछले थनों में स्पेसिंग कम है, काफी मोटा और मजबूत थन है। ड्राप देख सकते हो, काफी अच्छी भैंस है। घर या ग्वाल में दूध के लिए काफी अच्छी भैंस रहेगी। आगे फिर एक और आप देख सकते हो, देखिए काफी अच्छी भैंस। तो इसके बारे में क्या डिटेल है मित्र भाई? भाई साहब ये भी तीसरी बार की है। ये भी तीसरी बार की? हाँ, है। 13-14 किलो दूध इसमें तैयार है। हाँ जी। आज बच्चे ने मुंह लगा दिया, शायद थना पाएगी। ये बात है भैंस का ब्याई 15 दिन की हो रही है भाई, कम से कम। तो देखिए 15 दिन की आराम से भाई ने बताया कि बच्चे ने मुंह लगाया। कोई भाई ये सोचे कि टाइम वगैरह लगा रखे ना, और कौन सी भैंस का देख ले, इसका मुंह लग गया तो पानी पिलाऊं जब लग गया है या और, तो उससे आपसे भाई ये फोसी हुई है। हाँ जी। तो क्या डिटेल भाई बताइए इसकी? तीसरी बार की भाई साहब। तो ब्याई कितने टाइम की होगी भाई? 15 दिन के करीब होगी भाई। 15 दिन की ब्याई होगी। हाँ। और तीसरे ब्यांत की? तीसरे ब्यांत की दूध भाई साहब। दूध भाई साहब 13-14 किलो दूध तैयार है। 13-14 किलो दूध मौके पे तैयार है। हाँ। तो 13-14 किलो दूध मौके पे तैयार, आप देख सकते हो। देखिए काफी अच्छी भैंस, पेट पुट्ठा की क्वालिटी की बात करें वो भी आप क्लियर देख सकते हो। चेहरा मोरा से भी आप देख पाओगे। तो नीचे से एक बार नजदीक से दिखाऊंगा। तो देखिए भाई ने बोल लिया कि जो बच्चे के मुंह लगाने से पश्मी हुई है, आप देख सकते हो। देखिए काफी अच्छी। तो इसका रेट क्या रहेगा फिर भाई साहब? भाई साहब 1,10,000 रुपए देने का। 1,10,000 रुपए की? हाँ जी। तो देखिए 1,10,000 रुपए की भाई ने जो इस भैंस की डिमांड रखी। आगे फिर एक और देखिए, काफी जो मजबूत और पीठ की चौड़ाई आप देख सकते हो। पूरे शरीर की नसें बिल्कुल ब्रीक चमड़ी नीचे से देख पाओगे। तो देखिए काफी अच्छी भाई साहब जमा। देखियो ये देखिए साइड, देखो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आप देख सकते हो, देखिए उस साइड देखो और ज्यादा काफी अच्छी हेडर पे। और चेहरा मोरा की क्वालिटी की बात करें तो वो भी आप देख सकते हो, काफी अच्छी भैंस है। तो इसकी क्या डिटेल है भाई साहब? भाई साहब अच्छा चौथी बार कह लो, बाकी मालिक तो कह रहा था तीसरी बार की। हाँ जी। और ब्याई होगी करीब करीब 10-11-12 दिन की। आज मेला लग रही है, आज लगी है। दूध 18 किलो इसमें तैयार है। दूध 18 किलो जी भाई साहब। 10-12 दिन की ब्याई, 10-12 दिन की ब्याई के नीचे 18 किलो दूध मौके पे तैयार है। देखिए कोई भी भाई आके अपनी 2-3 तसल्ली करके ले जा सकता है। 5 देखो भाई साहब, पेटा भरो बिल्कुल। 18 किलो दूध तैयार है, पक्का काटेगा भाई साहब। डल्लू का भाई मापा के लिए, माप के लिए भरा ना, माप के साथ अंडा अपना भाई लिया, अंडा 17 भर दे, 17.5 भर दे, ठीक है। कितना बस यानी मापेगा? 18 किलो दूध भाई ने बताया तैयार, आज कोई भी भाई आके अपनी तसल्ली कर सकता है। तो 18 किलो तैयार दूध की भैंस का भाई साहब क्या रेट रहेगा फिर? रेट भाई साहब यार 1,52,000 रुपए दे दें कल। 1,52,000 रुपए की? 52,000 रुपए। 2 किलो दूध और बताइए भाई साहब, 20 करेगी पूरा। आज मेला भी लगी है, मेला में 2 किलो दूध का तो फर्क गिरे बिल्कुल भाई। तो देखिये 1,52,000 में 20 किलो दूध की भैंस, ये आप देख सकते हो। कोई भी भाई भाई के साथ कंटिन्यू नंबर चले हुए हैं। आगे फिर एक और ये भैंस आप देख सकते हो, काफी अच्छी दूसरी बार की जुटी है भाई। दूसरे ब्यांत की भाई ने बताया साथ की साथ में। नीचे से मैं नजदीक से आपको दिखाऊंगा। तो देखिए अड्डर में जो नसें आप देख सकते हो काफी अच्छी, जो और थनों में स्पेसिंग की बात करें किसी भी तरीके से पीछे से अड्डर का जो जोशीला बना वो भी आप साथ में देख सकते हो। दोनों साइड से देखिए अड्डर की काफी अच्छी, और शरीर से जो रेड कलर है तो भाई का जो डेयरी जैसा काम है पशु भाई के भाई। तो कुछ तो डेयरी का होगा ना, तो कहीं जोड़ बखुलती है कुट्टा भरा हुआ, इसमें तो दूसरे तीसरे दिन रेड हो जावा है। सोचा है एक बार दूध तैयार करके भैंस बेचा तो 3 दिन में तो लाल पकड़ जावा भैंस। 3 दिन में मजबूरी होगी वकड़े, कुछ भी करो चाहे ना, कोई कच्चा रास्ता करे पीछे ही थोड़ा धूप धाप लगा जब रंग पाऊंगी मैं। साथ में कच्चे का प्रबंध किया तो भाई साहब जो इसकी क्या डिटेल है आप बताओ? क्या भाई साहब 10 दिन की ब्याई है, 17-18 किलो दूध मौके पर तैयार है कल। 10 दिन की ब्याई के नीचे इसके भी 17? हाँ, नीचे कटड़ा है इसका, नीचे कटड़ा जी भाई साहब। तो नीचे कटड़ा 10 दिन की ब्याई 17-18 किलो दूध। हाँ जी। मौके पे भाई ने तैयार बताया वो आप देख सकते हो। देखिए काफी अच्छी, चेहरा मोरा की क्वालिटी से बात करें किसी भी तरीके से वो आप देख भी सकते हो। देखिए बिल्कुल अच्छी, बस जो दूसरे ब्यांत की वो आप देख सकते हो। तो देखिए काफी अच्छी अच्छी जो भाई लगातार सेल परचेज की लाते रहते हैं। तो भाई जी कितने किलो दूध की उम्मीद है फिर इस डॉटी से? भाई साहब इब मेले में लग गई 20 तो पक्का काट दे।
बिल्कुल भाई साहब जमा पक्का था पक्का। तो 20 किलो दूध के भाई ऊपर कितना है कर दो 17-18 मौके पे तैयार। हाँ जी। तो इसके नीचे कटड़ा है कटड़ी कटड़ा भाई साहब इसके नीचे कटड़ा है। हाँ जी। तो इसका रेट क्या रहेगा भाई साहब? रेट भाई साहब दे देंगे 1,70,000 रुपए का। 1,70,000 रुपए 70,000 रुपए। तो देखिये 1,70,000 रुपए की ये जो भाई सेल करेंगे आगे और कौन सा पशुधन भाई? आगे यह भाई साहब मीनी मीनी। हाँ जी। तो देखिये ये मीनी आप देख सकते हो इसकी जो स्पेशल एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। मीनी तो, भी हर दोल भी है साथ में दोल भी है। हाँ जी दोनों क्वालिटी है इसमें। तो इस भैंस की जो एक स्पेशल अलग वीडियो लेके आएंगे तो और बार पशुधन भाई साहब कौन सा बार है? तो देखिए बार भी जो पशुधन भाई या तो भाई ग्वाल की भैंस है कड़े दूध की बहुत बढ़िया रहोगी। आज रात की ब्याई है तकरीबन खाली ये कर दी रात ना 1:30-2 बजे ब्याई थी लोटी थोड़ी हकान की इसकी धारपूसा की बहुत अच्छी। तो देखिए ये भैंस आप देख सकते हो देखिए थनों की मजबूत जो भाई ने बताया कि लगभग खीस से खाली कर दिया रात की ब्याई हो रहा है। कौन से ब्यात में है जी भाई साहब? तीसरा कह लो चौथा कह लो मुंह तो बतावा तीसरा का ऊंचा भैंस चौथा भी हो। तो देखिए जो तीसरे चौथे ब्यात में आप वो अपने हिसाब से एस्टिमेट लगा सकते हो ये भी सेल के लिए। तो कितने किलो दूध की अमित भाई साहब? भाई साहब 17-18 किलो दूध जमा आराम से निकाल लेगी बिल्कुल आराम से 17-18 किलो जी नॉर्मल संभाल। तो इसका रेट क्या रहेगा अमित भाई साहब? रेट भाई साहब यह 1,12,000 रुपये दे दें। 1,12,000 रुपये की। तो देखिए 1,12,000 रुपये की। हाँ ये सेल करनी है आगे फिर एक और दूसरे की जोटी है भाई कल की भाई खाली नहीं हुई है पूरी ये देखिए वो आप देख सकते हो खाली तड़के गनखरिया कर दी थी फिर पूरी नहीं हुई है थोड़ा बहुत खींच रहा है कुछ इसमें खीसिया बोला जो वो भाई ने बताया रहा वो आप देख सकते हो साइड से भी आपको दिखाऊंगा। तो देखिए अर्डर की क्वालिटी की बात करें या जो सींगों की क्वालिटी की बात करें तो वो भी आप देख पाओगे। तो देखिए सींग बिल्कुल छोटा सींग है वो आप देख पा रहे हो। तो भाई साहब कौन से ब्यांत में है? दूसरे ब्यांत में भाई साहब दूसरे ब्यांत में। हाँ जी। तो कितने टाइम की ब्याई है बताइए? ये कल की ब्याई है भाई कल की ब्याई है खाली नहीं हुई है पूरी जो आपने बताया कुछ इसमें बोला छोटा। हाँ छोटा हुआ सवेरे। तो कितने किलो दूध दे देंगे भाई साहब? दूध भाई 16 किलो तो मर्दी होगी 16 किलो। तो इसका रेट क्या रहेगा भाई साहब? भाई साहब यहाँ 1,32,000 रुपये दे दें। 1,32,000 रुपये की। तो 1,32,000 रुपये की है। तो देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे पशुधन भाई ने आज की वीडियो में दिखाए हैं। तो भाई साहब आज की वीडियो में तो 20 किलो दूध की भी दो भैंसें दिखाई। हाँ दो भैंस हैं भाई 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा 20 किलो। एक तो में लब लग गई कल मर परसों में 2 किलो दूध बढ़ेगी और एक भैंस 3 या 4 दिन में कर देगी। हाँ उम्र लग के ऊपर बात है भाई राम राजी रहे जाओ उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए भाई ने बताया कि 2 20 किलो दूध की भैंसें जो लगातार रूटीन में भाई का सेल परचेज का काम रहता है। तो भाई जी कुछ भाई बोलते हैं कि 20 किलो बोलने में बहुत मुश्किल है। तो भाई काले बोलना तो है सोचा तो हम भी कर दे पर जब मेहनत कराना फील्ड में ढूंढ के ले आवा तो बहुत समस्या हो जावे बहुत समस्या। हाँ बहुत मुश्किल तो मिला 20 किलो वाली ये नहीं बजाम 20 किलो वाली मिल जावा कह तो देश देवा अरे क्या बन निकाल भी अरे कभी इससे 20 तक हम किसान निकाल दे लेकिन अरे माफ पाना जब उस टाइम पर पता लगा भाई। तो अगर कोई आपने 20 किलो दूध बताया दो भैंसे देगी आज 17-18 किलो दूध है तो अपनी तसल्ली के लिए कोई भी भाई अपने कोई भाई आओ भाई चाहे 5 दिन आओ चाहे 4 दिन रुको चाहे 2 दिन रुको देख कर बिल्कुल विश्वास करके पेटा भर के और जब ले कर जाओ कोई जल्दबाजी ये नहीं है कि आज आया श्याम की धार देख कर निकल गया दोनों टाइम आपको तीनों टाइम आपको चारों टाइम आपको अपनी तसल्ली करके बिल्कुल तसल्ली करो भाई। तो लगभग हर टाइम में तो भाई साहब अपने पास कितने पशुधन सेल परचेज के रहे भाई? अपने पास 7 से 8 पशु तो सेल के लिए रह जावे हैं और 5-7 पशु अपने दूध वाले भी हैं जो पर्सनल हैं 7 से 8 पशु। हाँ बड़ी बात करी हर टाइम सेल के लिए बिल्कुल भाई साहब 10 भी हो जावे कई बार। किस रेट से किस रेट का पशुधन भाई? भाई रेट तो अब की बार तो थोड़ा और ज्यादा 1.5-2 तक पहुंच गया नहीं तो कोशिश तो 1.5 तक रहा करते 1.5 तक। हाँ तो की बार ये 2-3 भैंस पसंद इतनी आ गई उल्टा ही नहीं हट जाएगा। तो भाई जी अगर कोई भाई आपसे संपर्क करना चाहे तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। अपना कॉन्टैक्ट नंबर है भाई 87086-72676। ठीक है भाई जी। तो देखिए मीत भाई के जो डेयरी फार्म शामलों से वीडियो लेके आए आप बताना कैसी रही जो लगातार वीडियो भाई की सेल परचेज की आ रही है बहुत से भाइयों ने जो भाई पे काफी ज्यादा विश्वास दुआया जो जताया है काफी अच्छे अच्छे पशुधन भाई के लगातार वीडियो के साथ सेल होते रहते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में पशुधन दिखाए वो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।